मैं हूं आपकी मेजबान लारे खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। रूस के जंगी जराइम का एहतसाब होना जरूरी है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि जराइम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। यूक्रेन में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त तशवीशनाक है। कनाडा में महंगाई की सताई आवाम फूड बैंक्स पर इनहसार करने लगी। जीटीए में फूड बैंक्स में आने वालों की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फूड बैंक्स के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो गया। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के मौके पर तारीख के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। हीथ्रो एयरपोर्ट से बेशुमार परवाजें मनसूख या रीशेड्यूल कर दी गईं। मलिका की आखिरी रसूमात के मौके पर बरतानिया में आम तातील। चीन ने हमला किया तो अमरीका ताइवान का दिफा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ताइवान के बारे में अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान ने अपनी आज़ादी से मुतल्लिक खुद फैसला किया है। नाज़ेबा वीडियोस वायरल होने का मामला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद, चार मुलजमान गिरफ्तार। भारत चंडीगढ़ में तालिबात की नामुनासिब वीडियोस वायरल, लड़कियों की खुदकुशी की कोशिश। यूनिवर्सिटी कैंपस में तुलबा का शदीद एहतजाज और हंगामा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने रूस के कब्जे से छुड़वाए गए यूक्रेनी इलाकों में इज्तमाई कब्रों की मौजूदगी को रूसी जंगी जराइम का नाम देते हुए कहा है इन जराइम का सख्त एहतसाब होना जरूरी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने रूस के ज़ेरे कब्ज़े से छुड़वाए गए यूक्रेनी इलाकों में इज्तमाई कब्रों की मौजूदगी को रूसी जंगी जराइम का नाम देते हुए कहा है उन जराइम का सख्त एहतसाब होना ज़रूरी है। ट्रूडो ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनके हामियों और रूसी फौज को उन मजालिम के लिए जवाबदेह होने की ज़रूरत है जो वो यूक्रेन के साथ जारी रखे हुए हैं। ट्रूडो मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इन दिनों लंदन में है, जहाँ उन्होंने बरतानवी वजीर आजम लिस्ट्रिस से भी मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात में यूक्रेन पर रूसी हमला सबसे अहम मौजू था। ट्रूडो का कहना था कि बिलाशुबा बरतानिया और कनाडा रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत में खड़े दो मजबूत तरीन मुल्क हैं जो यूक्रेन की पूरी तरह पुश्त पनाही करते हैं। ट्रूडो ने कहा रूसी इकदाम बड़े खुलकर सामने आए हैं बशमूल रूसी जंगी जराइम के, ये जराइम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। वाज़े रहे यूक्रेनी हुकाम ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें यूक्रेन के शुमाल मशरकी शहर लिजियम के नज़दीक वुडलैंड में 440 लाशें मिली हैं। ये कस्बा यूक्रेन ने रूसी कब्जे से हाल ही में छुड़ाया है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 440 लाशों में से अक्सर लाशें सिविलियंस की हैं, ताहम उनकी मौत की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी है। यूक्रेनी हुकाम के इस मौकफ पर क्रेमलिन ने उन इज्तमाई कब्रों के मिलने पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। अलबत्त मास्को ने इस अमर से बार बार इनकार किया है कि उसने जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बनाया है। कनाडा के शहर टोरंटो में फूड बैंक अपनी खिदमात का इस्तेमाल करने वाले मेहनतकश तबके के खानदानों में जबरदस्त इजाफा देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो जो रिकॉर्ड तादाद देख रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में फूड बैंक अपनी खिदमात का इस्तेमाल करने वाले मेहनतकश तबके के खानदानों में जबरदस्त इजाफा देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो जो रिकॉर्ड तादाद देख रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। एक मकामी फूड बैंक के मुताबिक वबाई मर्ज से कबल ये तादाद तकरीबन 60,000 अफराद महाना थी, जिसे खुद ही शहर के लिए संभालना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल था। यह वबाई मर्ज के दौरान बढ़कर महाना 1,00,000 हो गई है और फिर अफराते जर के साथ ये तादाद गुज़िश्ता माह 1,82,000 तक पहुंच गई है। ये तंजीम की रिकॉर्ड शुदा तारीख में फूड बैंक इस्तेमाल करने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है और ये मजीद बेहतर नहीं हो रहा है। इस सूरत हाल का सामना शहर भर के फूड बैंक को करना पड़ रहा है। ग्रेटर टोरंटो में फूड बैंक चलाने वाले खाने और किराए की बढ़ती हुई कीमत को इसकी वजह बता रहे हैं और कहते हैं
कि वो देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के पास फुल वक्ती मुलाजमतें होने के बावजूद अब भी ज्यादा लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते। सिटी ऑफ टोरंटो का कहना है कि वो उनकी बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन फूड बैंकों का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतें उनके अपने कामों को भी मुतासर कर रही हैं और इससे दबाव और फौरी हल की जरूरत में इजाफा होता है। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात के मौके पर तारीख के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। इस मौके पर आलमी रहनुमाओं ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात के मौके पर तारीख के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। इस मौके पर आलमी रहनुमाओं ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। बैनुल अक्वामी मीडिया जराए के मुताबिक दुनिया भर से आए तकरीबन 500 सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी बड़ा अहम इकदाम है। आंजहानी मलका बरतानिया दौम की आखिरी रसूमात के मौके पर दुनिया के मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट से बेशुमार परवाजें मंसूख या रीशेड्यूल कर दी गई हैं। बैनुल अक्वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फ्लाइट ऑपरेशन में तब्दीली की वजह आंजहानी मलका की कौमी सतह पर मुनक़िदा आखिरी रसूमात के मौके पर किसी भी किस्म के शोर से इज्तनाब करना है। मलका की तथ्मीन के मौके पर बरतानवी फिजाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से 50 परवाजें मंसूख की जा चुकी हैं। परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली की वजह से हजारों मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मलका की आखिरी रसूमात के अख्तिताम के मौके पर खास तौर पर एयरपोर्ट पर 11:40 से लेकर 12:10 तक आधे घंटे के लिए किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं होगी। 19 सितंबर को किए जाने वाले इन इंतजामात का मकसद आखिरी रसूमात के मौके पर इख्तियार की जाने वाली 2 मिनट की खामोशी के दौरान किसी भी किस्म का खलल पैदा ना करना है। ख्याल रहे 70 बरस तक हुकूमत करने वाली मलका का इंतकाल 8 सितंबर को हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमरीकी अफवाज ताइवान का दफा करेगी। ताइवान के बारे में अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन के हमले की सूरत में अमरीका ताइवान का दफा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमरीकी अफवाज ताइवान का दफा करेंगी। ताइवान के बारे में अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि एक चीन की पॉलिसी है, लेकिन ताइवान ने अपनी आज़ादी से मुतालिक खुद फैसला किया है। हम ताइवान की हौसला अफजाई नहीं कर रहे, आज़ादी का फैसला ताइवान का अपना है। रवां साल में ये तीसरा मौका है जब अमरीकी सदर ने चीन के खिलाफ ताइवान के हक में बयान दिया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और इस मामले में अमरीकी मदाखलत के नतीजे में नताइज से खबरदार कर चुका है। भारतीय शहर चंडीगढ़ में निजी यूनिवर्सिटी की तालबात की नाजेबा वीडियोज वायरल होने के मामले में अब तक मुलजिम तलबा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। भारतीय शहर चंडीगढ़ में निजी यूनिवर्सिटी की तालबात की नाजेबा वीडियोस वायरल होने के मामले में अब तक मुलजिम तालबा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहर चंडीगढ़ में निजी यूनिवर्सिटी की तालबात की नाजेबा वीडियोस वायरल होने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। मुतासरीन और दीगर सरापा एहतजाज है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहाँ ये वाकया पेश आया उसे 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। वाज़ह है कि चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी की तालबात की नामुनासिब वीडियोस वायरल होने पर 8 लड़कियों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की थी, जिस पर यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा ने शदीद एहतजाज और हंगामा किया और फिर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस को तलब कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लड़कियों की मुबैना खुदकुशी को अफवाह करार दे दिया गया था। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपनी मेजबान नारिब खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। News are precise and effective.